नीचे आप देख रहे हैं ये तो मटर की फसल है, वो नीचे आप देख रहे हैं ना ये वाले, और ये सारे आलू के खेत हैं। लालाजार मेडो पाकिस्तान के खूबसूरत तीन मेडो में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको नरान से जीप हायर करके बाटागुंडी आना होगा, जिसका डिस्टेंस तकरीबन 15 किलोमीटर है। बाटागुंडी से आपको ऊपर जीप ट्रैक है जो तकरीबन 4 किलोमीटर है, जो आपको लालाजार मेडो लेके आएगा। लालाजार मेडो बहुत ही खूबसूरत मेडोज है, यहाँ आप टेंटिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी तितलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। शुरुआत में ही जो है ना इतना डिफिकल्ट आ गया, आगे आगे देखते हैं फिर होता है क्या। अभी शुरुआत में आपने देखा कितना मुश्किल था और इस जीप का कितना जोर लगा। अब उस हिसाब से लगा लें भाई, दूसरी गाड़ी तो यहाँ पे पॉसिबल ही कोई नहीं, तो तड़वानी है आपने तो फिर लगता हुई है। दोस्तों अभी आपको मैं दिखाता हूँ बाटागुंडी शहर, तो अभी लालाजार मेडो की तरफ ऊपर जा रहे हैं और बाटागुंडी शहर का जो व्यू है वो यहाँ से देखें कितना खूबसूरत प्यारा है। हमें अब पीछे करना पड़ेगी, देखते हैं अब क्या बनता है। क्या क्या किधर जाएगी अब तो समझ से बाहर है, पीछे पीछे तो बड़ा मुश्किल है, अब देखते हैं। हमने बैक लिया है गाड़ी, पीछे कर रहे हैं अपनी जीप को और देखते हैं अभी अच्छी सी जगह देख मुनासिब सी मिलती है तो बाइक को रास्ता देते हैं, वो गुजर जाएंगे आसानी से भी। लेकिन उन्हें देखना चाहिए था थोड़ा सा पीछे, जब जीप देख ली है तो उन्होंने सामने, और हमने भी अब सचल ऊपर चढ़ाई की तरफ जाना है।
हकीम साहब हैं जो चला रहे हैं गाड़ी। ये पीछे हैं। किस तरह मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, जब सामने से गाड़ी आ जाती है तो बड़ा डेंजरस होता है बैक का, ये लाला साहब बैक के ऊपर। और अब ये गाड़ी को हमने जगह दे दी और वो अभी आसानी से गुजर जाएंगे। ओ बहुत मुश्किल है जब आप लाला साहब बैक इधर इधर के लोकल ड्राइवर्स की हिम्मत है कि वो इस गाड़ी को जीप को इस ट्रैक पर ले जाए, बड़ा महारत चाहिए इस गाड़ी की चढ़ने के लिए। ऐसे ही गरीब भी दिल भी बड़ा होना चाहिए और बेहतरीन ड्राइवर काबिल ड्राइवर हो तो फिर वो यहाँ से लेके जा सकता है। अब ये देखे ना यहाँ से क्या सीन है, ये 50 मान का कलेजा हो। ऐसे ही ऐसे ही 50 मान का कलेजा चाहिए वो इस रोड पे। और ड्राइविंग की जो उसकी महारत है, स्किल्स है, वो भी बड़ी जरूरी है। आम ड्राइवर भी नहीं चल सकता। ये देखें आप कितना ऊपर है, यहाँ से ऊपर जाना। ये देखें आगे, से दोस्तों अभी दरख्त वगैरह आगाज़ हो चुके हैं तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। और व्यू जो है ना आप चेक कर रहे हैं, जिस पोर्शन से हम गुजर रहे हैं ना लाला साहब मेडल की तरह, अगर यहाँ पे बारिश हो
जाए तो किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी के आप गाड़ी के साथ आप सफ़र कर सकें, क्योंकि ये वाले पोर्शन के ऊपर उन्होंने फसलें इधर उगाई हुई हैं और जो मिट्टी है वो सारा कीचड़ बन जाएगी, तो किसी सूरत में पॉसिबल नहीं। गाड़ी हमें फिर इधर ही छोड़ के जानी पड़ेगी, फिर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। हम लालाजार मेडो ऊपर पहुंच चुके हैं और वहां से जो बाटाकुंडी का नज़ारा है वो इस तरह का बड़ा खूबसूरत सामने, ये नीचे बाटाकुंडी है और ये ऊपर लालाजार मेडो है, हम ऊपर जाने लगे और आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लालाजार मेडो के ऊपर आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत है इसका व्यूज हमें, लेकिन जब हम पहले जब बाटाकुंडी से यूथ हॉस्टल से ऊपर की तरफ आई है ना हमारी गाड़ी, वो डेडली ट्रैक था बहुत। एक लास्ट टाइम जब हम गाड़ी हमारी पीछे हुई है ना, तो हमें तो एक हमारे ये अली भाई हैं, ये तो फुल मुझे हमें नीचे उतारो भाई नीचे उतारो, लेकिन उसके बाद जब ऊपर हम आए हैं ओए ओए सारे पैसे पूरे हो गए हैं भाई। और अली कैसा लगा ऊपर आके आपको? माशाल्लाह जी, ये कुदरत के जो हसीन मनाजर हैं बड़े करीबी से, ये अमूमन हमने जो है ना तस्वीरों में देखा हुआ है, सीनरियों में देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी आंखों से देख रहे हैं जी। इरफान भाई, आप भी हाइकिंग के काफ़ी शौकीन हैं और हमारा भी ये प्रोफेशन ही है तकरीबन, और बड़ा मज़ा आता है, बड़े शौकीन हैं हम। फिर इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं ऊपर क्या क्या हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है ना, कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या चीज़ें छुपा के रखी हैं, वो नेचर जो है ना, नेचर को देखेंगे और उहज करेंगे इन पहाड़ों के अंदर एक ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है और ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह ऊपर जाते हैं और मज़ीद देखते हैं, ऊपर देखते हैं। हज़ार मेडो पर बैठा हुआ था और यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिली है, तो अफसोस दुख भी होता है कि ये लोग खुद ये दरख्त है बहुत बड़ा, शायद चीर का दरख्त है या किसका है, ये तो इस इलाके के लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ इस तनाव ये जो इसकी आप कह लें दरख्त का तनाव है या बेस की कह लें आप, वहाँ थोड़ा सा करके ना आग लगा देते हैं ताकि ये जो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता सड़ जाए और फिर ये हवा के ज़ोर से गिर जाए, तो ये जो है ना इसका ये लोग जो करते हैं बहुत गलत हरकत है, क्योंकि एक दरख्त तकरीबन 200 या मैक्सिमम ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन देता है। लालाजार मेडो है, इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और फखर भाई कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत इंजॉय किया इधर, जैसे कि हम टॉप पे आए हैं और जीप पे आए हैं, जीप जो कि बहुत ही डेंजरस रास्ते से आई है, काफ़ी डर भी लगा है, लेकिन फिर एक जब ऊपर पहुंचे हैं मज़ा आया है। ऊपर आए हैं तो आलू की फसल काश्त हुई है, नीचे थे उधर मकई की काश्त हुई थी, लोगों ने काश्त भी की है, छोटी छोटी आबशारें जा रही हैं उनकी पानी के लिए, फसलों को जो पानी भी लगता है। अब हम आगे जा रहे हैं कि मज़ीद आगे जा के पहाड़ों की खूबसूरती देखते हैं वहाँ क्या होता है। भाई क्या हाल है, ऊपर पहुंच गए आप? क्या हाल है? ठीक है भाई जी। ये क्या लगा हुआ है? सर ये मटर की फसल है, देखिए बहुत कितनी तादाद में लगी हुई है,
माशाल्लाह। हाँ तो हम नीचे थे तो नीचे मकई लगी हुई थी, ऊपर आए आलू की फसल बहुत ज्यादा है, ये मटर की फसल बहुत ज्यादा है इधर। जबरदस्त, तो माशाल्लाह अभी हम मजीद ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं ऊपर क्या। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ना, ये पौधे फूल से लग रहे हैं, इनमें कांटे भी हैं, जरा इनसे बच के आगे हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं। आज मेरे साथ हम आप मजीद ऊपर लालाजार मेडो की तरफ ऊपर जा रहे हैं। इससे बिल्कुल पाकिस्तान अगर अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म पे फोकस कर रहा है और मजीद हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे, ये हुकूमत और सिर्फ जरूरत इस अमर की रोड थोड़े से सेफ्टी होनी चाहिए, हुकूमत से पीला का थोड़े से रोड रिपेयर कर दें, बाकी इसकी जो पब्लिशिंग का और प्रमोशन का काम है वो आवाम खुद अपने। जब हम नारान से निकले थे ना तो उस वक्त बाठा गुंडी तक जो खूबसूरत रोड है, साथ दरिया कुनार बह रहा है, ओए कहते हैं चस आ गई, बहुत मजेदार था, कमाल है। यहाँ के लोग दरख्त काट रहे हैं जो कि दिन ब दिन तेजी से दरख्तों की कमी हो रही है, इससे हमें नुकसान होगा, नुकसान ये होगा एक तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऊपर लोग कम आएंगे, इसके अलावा हम जैसे कि इमरान खान साहब ने भी दरख्त लगाने का एक करोड़ दरख्त लगाने का जिम्मा लिया था, उसकी वजह ये थी कि एक तो ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा होगा, जो गंदगी है वो कम होगी, इधर से जो लैंड स्लाइडिंग होती है हम उससे भी बचेंगे, दरख्त वो चीज़ें रोक लेते हैं, घास होता है, लैंडस्लाइडिंग। और दूसरी बात है कि ये जो दरख्त है नहीं, दरख्तों की वजह से इस एरिया की खूबसूरती है, अगर ये दरख्त नहीं रहेंगे तो फिर खूबसूरती में बहुत कमी, यहाँ पे टूरिस्ट भी कोई नहीं आएगा और रेवेन्यू नहीं आएगा। ये है कि अगर इस पर इम्पैक्ट होगा तो हमारा जो टेम्परेचर है ना, अगर इनकी कसीर तादाद में हम इनको ग्रो करेंगे तो जो टेम्परेचर वगैरह उसमें भी कमी आ जाएगी और मजीद मौसम सुहाना। आजकल जो मतलब एक मौसम जा रहा है ना वो बहार का, ये दरख्त लगाने का है, खास हम अगस्त में दरख्त लगाते हैं, हमने सियालकोट में ये जिम्मा लिया हुआ था कि 1000 दरख्त लगाना था अपने गाँव में, जो हमने पिछले 4 साल से 5 साल से लगा रहे हैं, इंशाल्लाह अभी हमने फिर स्टार्ट किया हुआ है, कुछ लगा लिए, कुछ इंशाल्लाह यहाँ से जाके फिर दोबारा लगाएंगे। अच्छा देखें सब्जी की ऊपर क्या लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है, चले ऊपर भी मटर लगा हुआ है, मजीद हम ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर फैमिली रह रही है और बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ऊपर चश्मे का पानी है तो ये ऊपर से आ रहा है, इतना ज़बरदस्त व्यू है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अगर फैसिलिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे रेस्ट हाउस भी मौजूद है, खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल हैं, पकोड़े की दुकानें हैं, पानी बिस्कुट हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, एक छोटी सी मस्जिद भी है, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत। हाँ जब जीप ट्रैक वो थोड़ा सा डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा बहुत कमाल का फैमिली प्लेसेस है, लेकिन जो ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बहुत कमाल की आला आला है। ऊपर मैंने देखा बहुत सारी सब्ज़ी लगी हुई है, आलू लगे हुए हैं, मटर लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, थैंक यू।